ज्यादा पानी पियो और जल्दी मरो। पानी और मौत, ये क्या बात हुई? बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तो सुना है जलमेव जीवनम और आप बात कर रहे हैं जलमेव मरणम, ज्यादा पानी पीना और मौत का क्या संबंध है? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? ऐसा कई लोगों का एक्सप्रेशन होगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ज्यादा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से किडनी साफ हो जाती है या शरीर गोरा हो जाता है और पता नहीं क्या क्या, और ऐसी ही एडवाइस वो दूसरों को भी देते रहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए आज हम इस वीडियो में लाए हैं कि क्यों जरूरत से ज्यादा पानी पीना मौत का कारण बन जाता है। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस, इन दोनों के हिसाब से आज हम इस बात को जानेंगे और सच में कितना पानी आपको पीना चाहिए जो कि स्वास्थ्य और जीवन दे, ना कि मौत, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, और आज हम बात कर रहे हैं कि ड्रिंकिंग टू मच वाटर कैन किल यू, अर्थात जरूरत से ज्यादा पानी पीना मौत का कारण बन सकता है। आज के जमाने में पानी पीना जरूरत कम और फैशन ज्यादा बन गया है। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो ये एडवाइस देंगे कि अरे ज्यादा पानी पिया करो, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से स्किन सॉफ्ट हो जाती है, किडनी क्लीन हो जाती है, कचरा निकल जाता है, वगैरह वगैरह। पर क्या इसमें कोई सच भी है या फिर हवा में तीर मारने जैसा ही काम है? तो चलिए जानते हैं ज्यादा पानी पीने के ऊपर आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि क्या कहते हैं। अति योगेन सलिलम तृष्यतो अपि प्रयोजितम प्रायति श्लेष्मत्वम ज्वरितस्य विशेषतः। वाग्भट ऋषि तो सीधी सीधी वार्निंग देते हैं कि बहुत ज्यादा प्यास लगी हो तब भी उतना ही पानी पीना चाहिए जितना की प्यास हो, ना कि जरूरत से ज्यादा। अगर कोई ये कहे कि हमको क्या लेना देना वाग्भट ऋषि से या फिर आयुर्वेद से, हम तो पिएंगे, तो उसकी भी वार्निंग आगे वाग्भट ऋषि दे देते हैं कि जरूरत से ज्यादा पानी पीना आपके शरीर में पित्त और कफ की 60 से ज्यादा बीमारियां करता है। जरूरत से ज्यादा पानी पीना सबसे पहला काम तो ये करता है कि जो आपकी पाचन अग्नि है, जो जठर अग्नि है, उसे मंद कर देता है। और आयुर्वेद का एक शब्द है शांतौ अग्नि म्रियते, अर्थात आपकी अगर अग्नि खत्म हो गई तो शरीर खत्म हो जाता है। दूसरी बात, ज्यादा पानी पीने से हमारा जो पाचन बिगड़ जाता है उससे शरीर में आम विष बनता है, अर्थात हम जो कुछ भी खाते हैं उसका पाचन नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि पानी में क्या है, पानी तो बस पी लिया हजम हो जाता है। पर ध्यान रखिए, पानी को पचाने के लिए भी शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सादा पानी हजम होने में 3 घंटे से ज़्यादा का समय लेता है। तो जो भी लोग जरूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं उनके शरीर में आलस, तंद्रा, सूखी खांसी, पेट में बहुत गैस भर जाना, जी मचलना या बुखार की कंडीशन में अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पानी पिया तो मुंह में बहुत लार बनना, नाक से पतला पानी गिरना, ऐसी कई तरह की बीमारियां आयुर्वेद कहता है कि ज़्यादा पानी पीने से होती हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि हम आयुर्वेद को नहीं मानते, हमें मॉडर्न रिपोर्ट्स बताओ या हमें आधुनिक विज्ञान पे ज़्यादा भरोसा है। तो उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में मोनार्स यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए जो कहती है ड्रिंकिंग टू मच वाटर कैन किल यू। इस यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च ये कहती है कि जो भी लोग प्यास ना लगी हो जरूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं यह सोचकर कि वह स्वास्थ्य को फ़ायदा पहुँचाएगी, वो गलत सोचते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर में जो सोडियम होता है, अब हमारे शरीर में नमक है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सभी चीज़ें, इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर का जो सोडियम है वो धुल जाता है, और एक बीमारी होती है जिसका नाम है हाइपोनाइट्रीमिया। हाइपोनाइट्रीमिया अर्थात शरीर में नमक कम हो जाना। इस हाइपोनाइट्रीमिया के कारण शरीर में सूजन आना या एडिमा हो जाना, एडिमा अर्थात आप अगर शरीर में कहीं दबाएंगे तो एक गड्ढा बन जाता है, उसे एडिमा कहते हैं, वो होने लग जाता है। और अगर कोई लगातार ये आदत जारी रखे
तो धीरे धीरे वो एडिमा बढ़ते बढ़ते ब्रेन तक पहुंच सकता है और ऐसा आदमी सोडियम की कमी के कारण कोमा में जा सकता है या उसकी मौत तक हो सकती है। और विदेशों में कई केस ऐसे हुए भी हैं ज़्यादा पानी पीने के कारण मौत के। साथ ही ज़्यादा पानी पीना, बेचैनी, मांसपेशियों में ऐठन आ जाना, जीभ मचलाना या जब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है तो खाली जगह पर जाकर भरने लग जाता है, जैसे कि सेल्स में जिससे सूजन होती है, फेफड़ों में, और लास्ट में अगर वही पानी ब्रेन में गया तो आदमी ख़त्म। तो ज़्यादा पानी पीना ना तो आयुर्वेद के हिसाब से सही है और ना ही मॉडर्न के हिसाब से। ध्यान रखिए, अति सर्वत्र वर्जित, जरूरत से ज़्यादा अमृत भी विष है। तो फिर कितना पानी पीना चाहिए? तो आयुर्वेद कहता है कि हर एक व्यक्ति अलग है। आजकल जो कहा जाता है कि 4 ग्लास पानी पियो, 8 ग्लास पानी पियो, ऐसा आयुर्वेद की संहिताओं में कहीं भी नहीं लिखा है। और अब मॉडर्न साइंस भी कहता है कि ड्रिंकिंग 8 ग्लास वाटर इन अ डे इज अ मिथ, कि दिन में 8 ग्लास पानी जो पीने का झूठ बोला जाता है वो एक गलत चीज है। हर एक आदमी अलग है, इसलिए पानी पीने का जो आपके लिए सबसे बेस्ट नियम है वो ये है कि जब भी आपको प्यास लगे तब आप पानी पीजिए। जैसे कि आपको भूख लगती है तब आप खाना खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको भूख लगी है और आप जरूरत से ज़्यादा ठूस ठूस के खा लेते हो और कोई ये कहे कि ज़्यादा खाना खाने से शरीर को फ़ायदा होता है तो आप कहेंगे कि ये पागलपन है। सेम वैसे ही जब प्यास लगे तो उतना ही पानी पीजिए। जरूरत से ज़्यादा पानी पीना आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ेगा, आपके शरीर को फायदे के बदले नुकसान करेगा और आपको कठिन से कठिन या कोमा जैसी कंडीशन में भी ले जा सकता है। तो जब प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीजिए, यही कहना है आयुर्वेद और मॉडर्न का। और कोई आपको अगर अगली बार ये ज्ञान देता मिल जाए कि ज़्यादा पानी पियो, किडनी साफ होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो उसे जाकर कहिए कि भाई पहले आप आयुर्वेद या मॉडर्न साइंस दो में से कोई भी साइंस पढ़ लो, उनमें से कोई भी साइंस ऐसा नहीं कहता कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पियो। तो पानी के बारे में यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, खास करके ऐसे लोग जो बिना प्यास के ज़बरदस्ती पानी पीते रहते हैं। आयुर्वेद में ज़्यादा पानी पीने से कई बीमारियों में से दो बीमारी खास करके बोली है। पहली डायबिटीज़ अर्थात प्रमेह जिसे कहते हैं, और दूसरी सभी तरह के चर्म रोग स्किन डिसऑर्डर, वो बहुत ज़्यादा पानी पीने से शरीर में होते हैं। तो पानी तभी पियो जब प्यास लगे। और आयुर्वेद की या मॉडर्न साइंस से जुड़ी नई नई रिसर्चेस को जानने के लिए ओज आयुर्वेद यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।